फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही और यम्मी नाश्ता की रेसिपी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बचे हुए इडली से आप कैसे इतना टेस्टी नाश्ता बनाएं कि आप बस एक बार बनाएं कि बार बार बनाएं का आपका मन हो और बनाकर खाएं आप। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बची हुई इडली से इडली मंचूरियन। तो कैसे मैंने बनाया है चलिए बताती हूँ मैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले पुष्पलता किचन, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट ओवर इडली मंचूरियन बनाने के लिए हमने इडली लिया है, बाकी ये सारे वेजिटेबल कैप्सिकम, चिली, कैरेट और ऑनियन और कैबेज मैंने लिया है, और इतनी सारी चीज़ों का मैं यूज करूँगी। बाकी अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, स्प्रिंग ऑनियन हो तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ये बची हुई इडली लिया हुआ है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके ओनियन लिया है। सबसे पहले हमें ओनियन लेना है और सारे वेजिटेबल्स को हमें हाई फ्लेम पे ही सौते करना है, क्योंकि जो हमारी चाइनीज रेसिपी होती है उसके अंदर उसको हम जो है हाई फ्लेम पे बनाते हैं, तब ज़्यादा उसमें टेस्ट आता है। तो और बहुत अधिक पकाना नहीं होता है वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे ओनियन और चिली को डाल दिया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। उस जब ये थोड़ा सा भून जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर। जिंजर डालने से टेस्ट एकदम दुगुना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप नूडल बना रहे हैं तो भी अगर आप जिंजर उसमें ग्रेट करके डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पेस्ट से ज़्यादा इसमें आता है। अब हमने जो एक कैरेट लिया है चॉप करके वो ऐड कर दिया है, क्योंकि कैरेट को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम पहले कैरेट को ऐड करेंगे। उसके बाद हम कैप्सिकम, तो बहुत जल्दी हो जाता है। फिर उसके अंदर हम ये मैंने इडली लिया है उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। आप शेप कोई भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो बहुत छोटा भी नहीं करना है, हाफ़ कर लीजिए या वन जो है उसमें चार भागों में कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कैबेज और कैप्सिकम को ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर साल्ट को ऐड करेंगे ताकि ये थोड़े से जल्दी से इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए साल्ट, तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। फिर और सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, क्रंची ही रखना है, बहुत अधिक गलाना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और ये पक रहा है, और तो अब यहाँ पे मैंने साल्ट को ऐड कर दिया है और टेस्ट के अनुसार हम करेंगे, क्योंकि सोया सॉस के अंदर भी साल्ट होता है तो हम उसी हिसाब से साल्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर लेती हूँ, हाई फ्लेम पे ही इसको करती हूँ, और जिंजर थोड़ा सा नीचे लगता है इसलिए हमें उसको थोड़ा सा अच्छे से चलाना है। तो यहाँ पे सब्जियों को मैं अच्छे से चला लेती हूँ और इसी तरह से हमें इसको थोड़ा सा करते रहना है सौते, और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर सॉस। तो जो हमने सॉस सारे लिए हैं उनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 स्पून सोया सॉस और 1 स्पून टोमेटो केचप और मैंने 1/2 स्पून विनेगर लिया है और उसको मिला लिया है मैंने एक साथ। उसके बाद इन सब्जियों के अंदर हम डाल देंगे। सब्जियों को हमने देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, जब ये ऐसी खड़ी खड़ी क्रंची होती तो ये अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आप, और इसको थोड़ी देर हाई फ्लेम पे ही होने देंगे। उसके बाद फिर हमने जो इडली को चॉप करा है वो इडली इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से हो गया। अब हम यहाँ पे इडली को ऐड कर देते हैं। इडली को ऐड करने के बाद फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इसी इडली के लिए मैंने 1 कैरेट और 1 कैप्सिकम और 1 ओनियन का यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने कैरेट लिया था। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए, स्नैक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और इतनी टेस्टी लगती है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाएंगे, सोचेंगे कि इस बार इडली ज़्यादा बनाते हैं, बच जाएगी तो इसको इडली मंचूरियन बना लेंगे। दूसरा तरीका भी है इसका मंचूरियन बनाने का, जो इडली है उसको हम पहले डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसको अरारोट के अंदर आप पहले उसको घोल बना के आप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं वो वाले तरीके से भी बना के आपको दूंगी रेसिपी। तो पहले आप ये वाला ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर अच्छी बनती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो ये मेरी तैयार हो गई है इडली मंचूरियन। यहाँ पे थोड़ा स्प्रिंग ओनियन होता तो मज़ा आ जाता, पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन हरा प्याज का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अब ये एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए रेडी हो गई है। और चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इडली मंचूरियन को सर्व कर लेती हूँ और मैंने इसे बनाया है ब्रेकफास्ट में, तो ये बहुत ही टेस्टी लगी, बहुत सबको पसंद आई। तो आप भी बनाइए और खाइए और बताइएगा। आप इस रेसिपी को कभी भी ट्राई कर सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता तो शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और कोई और भी रेसिपी की डिमांड है तो आप ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।